आज बीदर के कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार रहीम खान जी के नाम पत्र दाखिल करने के इस भव्य कार्यक्रम में हम शामिल हुए हैं। ये जो जनस्थों में जो हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, ये साबित करता है कांग्रेस पार्टी और रहीम खान की जीत निश्चित है। आज मैं आम जनता को कहना चाहता हूँ, जेडीएस और बीजेपी एक ही नाणे के दो मुख हैं, तो जेडीएस को वोट डालना, बीजेपी को वोट डालना बराबर है। इसलिए जो है ना, जेडीएस हमेशा बीजेपी के साथ अंदरूनी मैत्री कर चुकी है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये सब लोग दंगे फसाद कराने वाले लोग हैं, तो ऐसे में मैं विनती करता हूँ लोगों से कि आप बहकावे में मत आइए। आप जो है ना, शांति अमन के लिए, भाईचारे के लिए, प्रगति के लिए, विकास के लिए, गरीबों का और युवकों का, जो भी बीजेपी के कार्यकाल में जो उनका भविष्य नष्ट हो रहा है, नाश हो रहा है, तो इसलिए सभी की भलाई के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार रहीम खान को प्रचंड बहुमत से विजय करें, और बीजेपी जेडीएस को भी जो है उनका डिपॉजिट जब्त होना चाहिए, ऐसा बीदर की आम जनता जो है आज डिसाइड करेगी, बोल के मुझे पूरा विश्वास है। 6 को 6 सीट जीत रहे हम, कल्याण कर्नाटक में 35 सीट जीत रहे हैं, कर्नाटक में 150 सीट हम बराबर जीत रहे हैं। आज आपको सबको मालूम है मैं नॉमिनेशन डालने जा रहा हूं। इस नॉमिनेशन में हमारे ईश्वर खंडे जी भी आए हैं, हजारों की तादाद में बीदर की जनता आई है, सभी समाज के लोगों की। और ये जो बीजेपी है, ये जो जेडीएस है, दोनों एक ही है। और अभी जेडीएस से जो कैंडिडेट आया है, बीजेपी में 15 साल था, और हमेशा जितने बीजेपी के कानून निकले उसमें एनआरसी है, और अभी रिसेंटली 4% माइनॉरिटी मुस्लिम्स को रिजर्वेशन के बारे में वो मुबारकबाद दिया है। एनआरसी में तो वो गणेश मैदान से लेके गांधीगंज तक हजारों की तादाद में अमित शाह और मोदी, तुम जो किए हैं बहुत अच्छा काम किए हैं बोल के इस तरह की निकाला सो आदमी है, और कब क्या करता है पता नहीं, आप लोगों को पता है। ये एक माइनॉरिटी की सीट है पूरे कर्नाटक में, सिर्फ 7 माइनॉरिटी की सीट है, एक बीदर की माइनॉरिटी सीट भी उसको देखा नहीं जा रहा पूरे बीदर डिस्ट्रिक्ट में। वो पूरे लोग उन्हें राज करना चाह रहे हैं और हमारे लोगों को डिवाइड करके वोट को डिवाइड करना चाहते हैं। लेकिन हमारे मेरे पूरे बीदर की जनता जो 2 लाख है, मुझे सभी लोग जानते हैं, और पूरी 2 लाख जनता का मुझे सपोर्ट है। इस बार बहुत ही बहुमत से मैं जीतूंगा, हर समाज के लोग मुझे चाह रहे हैं, इतना बोलते हैं, मैं धन्यवाद बोलता हूँ।
बड़ा चल रहे हैं।